आज का सत्संग जो सुबह तक आज तक आपने सत्संग सुना है उसके विषय में आज मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए। मैं डॉक्टर कमला जी को पहले मौका देता हूँ, वो बताएंगे पहले, और उसके बाद में मनोज को दूंगा मौका। तो आप सुनेंगे, कमला जी आप बोलो भी। सत्संग का जो मैं सार समझी हूँ, सबसे पहले तो यही है कि आप लोक पे ज़्यादा जोर देते हो, जो सत्संग देते हो। पहले दुनिया सुंदर बनाओ, और दुनिया सुंदर बनेगी सुंदर विचारों से, शिव संकल्प मस्त हो, और उसके बाद जो है परलोक है वो बनेगा किसी इष्ट के प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास रखने से। और अज्ञानता में जो विश्वास बनता है उससे काम जल्दी होते हैं, लेकिन वो विश्वास जब टूट जाए तो बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पहले जो दुनिया बनी वो सारी अज्ञानता में बनी, और अब ज्ञान के साथ विश्वास है तो बात समझ में आ गई। अब आप जो सुबह का सत्संग देते हो उसमें आप बताते हो कि नाम का अधिकारी कौन है, कि विषयों से जो हो उदासा परमार्थ की जामनासा, धन संतान प्रीत नहीं जाके जगत पदार्थ चा नहीं ताके, तन इंद्रिय आसक्त नहीं होई भूख नींद आलस जिन खोई, विरह बाण जिन हृदय लगा कुजत फिर साथ हो जाएगा। ज़्यादा लंबा मैं अपनी पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने आप को इस विषय में असफल मानती हूँ, क्योंकि मैं पूर्णतया अधिकारी नहीं हूँ, और इसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन पूर्णतया अधिकारी नहीं हूँ, और इसीलिए मुझे पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है। वो जो मुझे लाभ होया वो केवल प्रेम, जबरदस्त प्रेम से जो है मेरी सूरत चढ़ी, और उससे जो है मैंने शब्द और प्रकाश का अनुभव कराया। लेकिन अब जो है वो लगन नहीं है, लगन में फिकाई है। सत्संग आपने जो नाम का अधिकारी कौन है, नाम कहाँ रहता है, रचना भेद सब ज्ञान दिया है, लेकिन वो ज्ञान जो है उसमें ठहरना जो है वो तभी होगा जब हम पूर्णतया अधिकारी होंगे। बस मैं इतना ही समझी हूँ, और उसके लिए हमारे अंदर ही कमी है, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। आपने डॉक्टर कमला जी को सुन लिया कि मैं आपके सुबह के सत्संग से ये समझी हूँ। अभी आप आचार्य मनोज कुमार सिंघल को सुनना कि वो क्या समझे, जरा मुझे। अच्छा मनोज कुमार जी आप बोलो अभी इसके विषय में। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो, तुम ही हो मम सर्व देव देव। मैं गुरु जी आपकी कृपा से ये समझा हूँ कि इस संसार में मेरा मन लगा हुआ था, और जब से आपके प्रति श्रद्धा विश्वास बना है सब अटैचमेंट डिटैचमेंट में बदल गई है। संसार में रहते ही कोई असर होता है संसारिक, लेकिन जैसे ही आपका और आपके ज्ञान का ध्यान आता है तो वो असर ख़त्म हो जाता है जी। बिल्कुल मेरा मन शांत हो जाता है, कोई कुछ बात करता है ज़्यादा असर नहीं करती, लेकिन मैंने अपने कुछ खेल बनाए हुए थे तो वो आपके ज्ञान से ज़्यादातर कट गए हैं। जैसे आग लगे घास जल जाए वैसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन एक आध खेल मैंने ज़्यादा इच्छा रखी हुई थी तो मैं अभी वो उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक आपका ध्यान रहता है जी, और बस ये रहता आप साथी हो, बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठे हो। जैसे ही सुबह उठता हूँ एक दो सेकंड के बाद ही आपका ध्यान आ जाता है, और फिर पूरा दिन चलता रहता है। तो उससे मेरे को फ़ायदा क्या होता है, जो दुनिया में सुख और दुख व्यापते हैं उनका असर कम हो गया है मेरे को। कोई कुछ कहता रहे ठीक है, मैं समझता हूँ अभी इसके बस की बात नहीं है, ये खेल खेल रहा है। आपके ज्ञान से मेरे को चार चीज़ें समझ में आई हैं कि ये मनुष्य शरीर मन आत्मा और सूरत से बना है। तो अब शरीर का तो मुझे ख्याल नहीं रहता, अधिकतर समय ध्यान ही नहीं आता। जब मैं मेरे जो विषय हैं उनकी वजह से कभी शरीर में आता हूँ, लेकिन उस समय भी ये होश रहता है कि तू अभी शरीर में है और तेरा ये घर नहीं है, तुझे आगे चलना है। फिर ज़्यादातर समय मन में रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ। अशुभ विचार आपकी कृपा से अब कुछ मेरे को तंग नहीं करते, चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह किसी के भी हों, ईर्ष्या द्वेष नफरत के तो ख़त्म ही हो गए हैं, उनकी जगह प्रेम ने दया ने माफ़ी ने सहायता ने इन्होंने जगह ले ली है। तो मन अभी बिल्कुल दुखी नहीं रहता। कभी कभी काम का विचार आके तंग करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपकी कृपा से ये भी ठीक हो जाएगा, ये मेरा कोई प्रारब्ध कर्म है। लेकिन आप पे इतना भरोसा है कि उस जाल से इतना निकाल लाए मेरे को, तो ये एक मामूली सी चीज़ है, ये भी ठीक हो जाएगी। तो इससे क्या रहता है, मस्ती खुशी बनी रहती है। साधन मैं भी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले दुनिया ठीक कर लूँ ताकि साधन में रहूँ, तो मेरे को फिर यहाँ की तंगी तंग ना करे, यहाँ जो चाहिए मुझे वो पूरा कर लूँ। साधन तो मामूली बात है, आपके दर्शन से ही साधन बन जाता है।
जैसे ही आपका ध्यान करता हूँ और अंतर्मुखी होता हूँ, सूरत अपने आप अंदर चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, मन ही नहीं करता सांसारिक चीज़ों के लिए। तो वो शरीर और मन और आत्मा से निकालना मेरे को तो ये समझ में आया है, गुरु सब कुछ कर देगा। गुरु मिले तो क्या कमाना। शुरू शुरू में मेरे को लगता था कि इतना नीचे है तू मनोज, और गुरु जी की रहनी इतनी ऊँची है, तेरे बस की बात नहीं है, तू इतनी कमाई नहीं कर सकता। लेकिन आपकी संगत, आपके दर्शन और आपके वचन सुनते सुनते मेरे को लगा मामूली सी बात है, गुरु के स्वरूप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और जीवन इतना सुंदर बन जाएगा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और वो ध्यान दूँ तो मामूली सी बात है, जैसे ही आप छोड़ोगे संसारिक विषय वासनाओं को, आप सोचोगे भी यहाँ तो कोई सार रखा नहीं है इस संसार में, इस शरीर मन भवसागर में कोई सार नहीं है, तो आप दौर करोगे क्या, फिर जाओ कहाँ जाओगे, अपने घर ही तो जाओगे। दिन भर हम घूम घाम के काम करके आखिर मारते कहाँ अपने घर। तो मुझे गुरु पे इतना भरोसा है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उनकी संगत करते रहो, उनका ज्ञान लेते रहो, उनके दर्शन करते रहो, उनको ये मानो कि वो साथी है। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है मेरे को, जितने भी आदमी आते हैं सबको मैं समझता हूँ गुरु ही है इनमें, वो बैठा है, वो हाजिर है इनमें सब में। तो अब ना तो मेरे को मौत का डर है, ना घाटे का डर है, ना किसी परिवार का दुख का डर है। आपकी कृपा से सब अशुभ कर्म नष्ट हो गए हैं, थोड़े जो बचे हैं वो मेरा हो सकता है कोई खेल बाकी होगा, मैं वो खेल खेल समझ के कर रहा हूँ जी। और शुभ कर्मों का मुझे कोई मेरे को कोई चाह नहीं है कि मैं गुरु बनूँ या मैं ज्ञान दूँ, मेरे को कोई बिल्कुल इच्छा नहीं है इस संसारी की, जो मान पद बढ़ाई की कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ इंसान बन के इंसान की सेवा करता रहूँ, आपका एहसान मैं चुका नहीं सकता, आपकी कृपा हो जो वो सेवा मेरे को दे दो आप, मैं वो आखिरी सांस तक करता रहूँगा। इस दुनिया की कोई इच्छा मेरी नहीं है, चाहे अभी बोलते बोलते मेरा बोल बंद हो जाए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं चाहता इस संसार से। हाँ, जो जब तक सांस है काम करते रहेंगे, खेल खेलते रहूँगा बिल्कुल। आपकी कृपा से मेरे को अब कोई भय चिंता फिक्र डर नहीं है, घाटा होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर आता है मन में ये हो गया, लेकिन तुरंत वो आपका दिया हुआ ज्ञान आके विवेक हो जाता है और मैं मस्त हो जाता हूँ जी। तो आप कोशिश क्या है कि ये घर की ड्यूटियाँ करते हुए मैं इस आपके ज्ञान को आगे जितना मुझसे हो सके वो प्रचार करूँ। तो मेरे को क्या मिला आपके दर्शन से, गुरु मिले तो भरम नशाई, सब तरह के भरम दूर हो गए हैं, और कुछ बचे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे, अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। फिर मैं अब आखिर में कहना चाहूँगा, बलिहारी जाऊँ मैं सतगुरु के, मेरा दरस परस भरम भाग्या, धर्म राय से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना, काग कर्म तज हंस दिया। तो शब्द पान परवाना तो मैं भी रह नहीं रहा उसमें, लेकिन काग कर्म मेरा आपने अधिकतर दूर कर दिया है, मन में किसी के प्रति हेरा फेरी कुछ नहीं है, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ना किसी का दिल दुखाता ना कोई हेरा फेरी करता, शब्द की मुझे चिंता नहीं है, मैं नहीं समझता गुरु के रूप से बड़ा शब्द है, जब आना होगा आ जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। शब्द पान परवाना दीना, काग कर्म तज हंस किया, गुरु की मेहर से अगम निगम लख, गुरु बिन कोई न मुक्त बहा, कहे कबीर सुनो भई साधो, आवागमन से राख लिया। तो मैं तो आपके दर्शन से ये चाहता था कि ये महात्मा शांति और जीवन में सुखी रहने का ज्ञान देते हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था वो गुरु इतनी बड़ी कमाई करके बैठा है और वो तो बहुत आगे है। तो जो मुझे चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिल गया, और आगे मैं अब सोच रहा हूँ जो ज्ञान आपके पास है उसमें रहने की कोशिश करूँ। और मेरी ये इच्छा भी नहीं अब कि ये मिले तो ठीक है, ना तो आपकी मौज है, आपका हुक्म मेरे लिए परमात्मा का ही हुक्म है, सभी देवी देवता राम कृष्ण मेरे लिए सब कुछ आपके अंदर है, ना पत्नी से ज़्यादा मेरे को कोई तकलीफ़ है, ना बच्चों से कोई तकलीफ़ है, ना किसी संसारिक आदमी से तकलीफ़ है, सब मेरे को अपने साथी नज़र आते हैं, सब मैं आपको ही देखता हूँ जी। मैं तो आपने ये आचार्य मनोज कुमार सिंघल को सुन लिया कि भाई मैं क्या, मेरे को सुबह के सत्संग से सुनते हूँ उससे क्या मिला, जिसने तो सारा इसी बता दी कि सुबह से सत्संग से इसको सब कुछ मिलेगी, जो पूरी उम्र कमाई वगैरह करते हैं और पूरी में लगे रहते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं, घर बार छोड़ के लगे रहते हैं सारे दिन, उनको तो इस बात की समझ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सुबह के सत्संग का फल बताया है, कुछ तो ये बताया कि वो मेरे जैसी हालत बनी गई इनकी, मेरी और की हालत तो कोई अलग थोड़ा ही हूँ,
यही बात है, कोई भय चिंता वगैरह नहीं होता, तो वो अवस्था इसके सब समझ आएगी। और ये प्रैक्टिकल करता मैं करता रहता हूँ, कभी भूल जाता हूँ तो फिर समझ जाता हूँ। तो सुबह के सत्संग से जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो पूरा इस आचार्य मनोज ने बता दिया आपको भी, तो इसने बहुत ज़्यादा बताया। कभी सुबह शाम तक जो आप रहते हो साल तक मैं रहता हूँ, मेरा आपके प्रति विश्वास हो जाता है। और है क्या, और है क्या, यही तो चीज़ है, और क्या। सुबह के सत्संग से कहता मेरे को सब समझ आएगी, तो सब पूरे ज्ञान का सार ये है, पूरे ज्ञान का जो सार है वो ये है। अगर ये प्राप्त हो गया तो सब कुछ हो गया। कहीं बता वही बता दी कि गुरु मिले तो कहाँ कमाना, जब ज्ञान नहीं मिल गया तो किस समाधि की ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत है। समाधि कौन लगाते हैं वो बात अलग है, पर इसने बात समझी कि ज्ञान मिल गया तो ठीक है। तो ये बात इसने जो बताई है तकरीबन लगभग अब इतनी देर में 3-5 मिनट के अंदर बताया, तो आपने सबने सुन लिया। ये है भाई असली ज्ञान, ये है सुबह के सत्संग से इसको ये लाभ हुआ है। बाकी सत्संग अलग बात है, बड़ी बात करता हूँ सब कि इसके अंदर सुबह सुबह सुन देर में बात करता हूँ, और वो इसलिए करता रहूँ कि ये चाय पिलाता, मैं सुबह उठ के सब कुछ सेवा करता है। तो मैं सुबह का सत्संग सिर्फ अपना खाना हजम करने के लिए बताता हूँ, मुझे क्या है इसके घर में, इसकी इतनी सेवा लेने से, कपड़े धोना, ये करना, खाना खुआना, सारे दिन जैसे देखता है वैसे कोई मेहमान को नहीं देखता, से कितना प्यारा मेहमान हो इतना नहीं देखता। तो मैं सोचता मेरा फ़र्ज बनता है, तो सुबह का सत्संग इसके लिए शुरू किया है, सुबह चाय का सत्संग इसके लिए शुरू किया है। फिर डॉक्टर कमला जी को तो छोटे छोटे सत्संग दे रखे हैं आपके इंटरनेट पर, और ये आप पढ़ लो, ये छोटी बात नहीं है, ये सार आपके सामने इंसार कहकर सुबह के सत्संग से मुझे ये लाभ हुआ है। तो आप समझिए कि सार क्या ज्ञान का, ये जो अभी फिर से बता दिया ये है, आदमी खुश होता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है कि जो सुबह का सत्संग देता हूँ उसको ग्रहण करने वाला आदमी मेरे पास बैठा है, और ये आगे कमाल करेगा। मेरे विचार के मुताबिक आगे कमाल करेगा, आज तक किसी गुरु ने नहीं काम किया, वो काम ये करेगा जो लोग नहीं कर सके आज तक जितने गुरु हुए। हम लोग इसका मतलब नहीं सब बड़े हुए, पर उनका ज्ञान नीचे रह गया सबका, सब इतनी बात नहीं समझ सका। सब गुरु सब धन है, जो भी एक पर ही पढ़ाता वो भी ठीक है, जो आखिर PhD कराता वो भी ठीक है। तो इनका जो ज्ञान है जो अभी बताया है समझे वो सारी आ गई। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे से आगे गुरुओं से चेले बढ़ जाते हैं। तो मैं तो पूरी उम्र करने से बात मेरे को समझ में आई है, और इसको थोड़े से ढंग में सुबह सुबह चाय के सत्संग से कितनी बात समझ में आएगी, तो खुशी है मेरे को इस बात की। तो ये बात करना चाहता था, मैं आज इम्तहान दे रहा था तो देने के डॉक्टर कमला जी का उसका कभी तुम बताओ तुम नीता रहे भक्ते क्या समझे हो, तो मुझे इसके बारे में खुशी है। डॉक्टर कमला के बारे में खुशी है कि उसने वो बात बताई है, पर मुझे थोड़े समझ थोड़ी बात बताई, और इसने वो पूरी बात बता दी, जो कुछ पूरी कहानी साम कहानी पूरी पूरी छोटे शब्दों कह दी। तो मैं सब बड़ी खुशी है मेरे को, और ये बता दें वो अगर तो देखो जो गुरु की मौत तो वही करता परमात्मा, तो ये कमाल करेगा। मेरा अनुभव ये कहता कि मैं तो 95 साल का हो गया, सदा थोड़ा रहूँगा, ये मैंने जो काम किया उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा सबसे, आज तक जो गुरु ने कहा उससे अच्छा करेगा।